सैमसंग गैलेक्सी S23 सीरीज़, तो बेसिकली जो स्मार्टफोन की सीरीज़ आपको नेक्स्ट ईयर देखने को मिल जाएगी। बट अगर बात करें स्मार्टफोन की लीक्स बहुत ही ज़्यादा अच्छी निकल कर आ चुकी है, चाहे वो बात हो सैमसंग गैलेक्सी S23, S23 प्लस और S23 अल्ट्रा की। बेसिकली जो सभी स्मार्टफोन्स में आपको बहुत ज़्यादा ह्यूज इंप्रूवमेंट देखने को मिल जाएगी, चाहे वो बात हो डिज़ाइन, बिल्ड क्वालिटी, कैमरा क्वालिटी या फिर उस स्मार्टफोन की बिल्ड डिस्प्ले वाइज बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिल जाएगी। तो क्या इसकी अब तक की लीक्स देखने को मिल जाती है? सो बेसिकली अगर आप एक प्लान करें S23 सीरीज़ का कोई भी स्मार्टफोन लेने का, तो डेफिनेटली वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव हो सकती है। तो अगर आपको टॉपिक इंटरेस्टिंग है प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। सबसे पहले अगर बात करें S23 और S23 प्लस की, तो डिजाइन वाइज अगर हम देखें तो यहां पर आपको बहुत ज्यादा ह्यूज इंप्रूवमेंट देखने को मिल जाएगी। डिजाइन इसका बिल्कुल चेंज देखने को मिलेगा। बैक साइड में आपको जो है ट्रिपल कैमरा सेटअप ही देखने को मिलेगा, बट इसका जो क्रिप्टेड कैमरा सेटअप है आपको बेजल लेस देखने को मिलेगा। जैसे कि मैं प्रीवियस मॉडल में देखने को मिलता था, बिल्कुल आपको सेम वैसा नहीं देखने को मिलेगा। अल्ट्रा सीरीज का कैमरा सेटअप आपको S23 और S23 प्लस में देखने को मिल जाएगा। कैमरा क्वालिटी वाइज आपको बहुत इंप्रूवमेंट देखने को मिल जाएगी। डिस्प्ले की अगर बात करें तो डिस्प्ले क्वालिटी वाइज आपको बिल्कुल ही सेम देखने को मिलेगा, क्योंकि प्रीवियस मॉडल में भी आपको बहुत ही अच्छी चिपसेट और बहुत ही अच्छी डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। चिपसेट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको स्नैपड्रैगन की तरफ से स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 देखने को मिल जाएगा, जहाँ पर आपको बहुत ही ह्यूज इंप्रूवमेंट्स देखने को मिल जाएगी। S23 अल्ट्रा की अगर हम बात करें तो वहाँ पर तो आपको बहुत इंप्रूवमेंट देखने को मिल जाएगी। सबसे बड़ी इंप्रूवमेंट वहाँ पर है कि यहाँ पर आपको 200 MP का मेन कैमरा देखने को मिलेगा, जिसमें हमें 100x या फिर इवन तो स्मार्टफोन में 150x तक का जूम देखने को मिल सकता है। 200 MP की अगर बात करें तो बहुत ही डिटेलिंग फोटोग्राफी आपको देखने को मिल जाएगी। 8K at 30 FPS की वीडियो रिकॉर्डिंग देखने को मिल जाएगी। सेल्फी कैमरे में भी आपको बहुत ज़्यादा ह्यूज इंप्रूवमेंट्स देखने को मिल जाएगी। बट अगर बात करें S23 अल्ट्रा के डिज़ाइन की, तो वो अभी तक कंफर्म है कि क्या हमें देखने को मिलेगा। प्रीवियस मॉडल जैसा ही हमें देखने को मिल जाएगा, शायद इसकी थिकनेस आपको थोड़ी सी कम देखने को मिल सकती है, बट डिस्प्ले क्वालिटी वाइज अगर हम देखें तो आपको बिल्कुल सेम देखने को मिल जाएगी। तो बैटरी क्वालिटी की अगर हम बात करें तो वो भी आपको काफ़ी हद तक सेम देखने को मिल जाएगी। तो प्राइसेस की अगर हम बात करें तो प्राइसेस इसकी अभी तक कंफर्म है कि क्या हमें देखने को मिल जाएगी। एक्सपेक्टेड है कि आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा प्राइस देखने को मिल जाएगी प्रीवियस मॉडल से भी। जो भी उसकी लॉन्च प्राइस देखने को मिलती थी, अब स्मार्टफोन की प्राइस आपको थोड़ी सी इंक्रीज देखने को मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ पर आपको काफ़ी इंप्रूवमेंट्स भी देखने को मिल जाएंगे। S23 और S23 प्लस की अगर हम बात करें तो कैमरा क्वालिटी वाइज हमें क्या इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी, वही सेम आपको कैमरा क्वालिटी देखने को मिल जाएगी। शायद उसमें कैमरा मोड जो है वहाँ पर इंप्रूवमेंट देखने को मिल जाएगी। शायद इसमें सिनेमेटिक मोड जैसे हमें आईफोन के में देखने को मिलता है, आईफोन 14 सीरीज में जो वीडियो रिकॉर्डिंग में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करता है, वही सेम आपको सिनेमेटिक मोड वहाँ पर आपको पोर्ट्रेट वीडियो में इंप्रूवमेंट देखने को मिल जाएगी। एस सीरीज में प्रीवियस मॉडल्स में भी आपको पोर्ट्रेट वीडियो देखने को मिलती है, बट वहाँ पर आपको इतनी अच्छी नहीं देखने को मिलती है, वो एक डिसेंट क्वालिटी पोर्ट्रेट वीडियो देखने को मिलती है। और अगर बात करें आईफोन लेवल जैसी आपको पोर्ट्रेट वीडियो क्वालिटी आपको सैमसंग के एस सीरीज डिवाइस में भी देखने को मिल सकती है। और यहाँ पर आपको पेरिस्कोपिक लेंस का भी सपोर्ट देखने को मिल जाएगा, जो कि आपको काफ़ी अच्छी फोटोग्राफी प्रोवाइड कर सकता है। और माइक्रो मोड तो आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा ही सभी कैमरेज में। सो इसकी अब तक की लीक जो कि हमें सैमसंग गैलेक्सी S23, S23 प्लस और S23 अल्ट्रा की देखने को मिल सकती है, और इसकी और भी लीक निकल कर आ सकती है, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको वीडियो चाहिए तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, अगर आपको वीडियो चाहिए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर सब्सक्राइब जरूर करना, साथ वाला बेल आइकन दबाकर ऑल पर सेट जरूर करना, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिस ना कर सके। अगली बार एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।